जिला कारागार में काफी समय से बीमार चल रहे कैदी की मौत। जिला कारागार में 7 माह से बंद व्यक्ति की तबीयत खराब होने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। रामपुर के थाना बोर्ड क्षेत्र के गांव मिलक विचौला निवासी सलीम की तबीयत खराब होने के कारण जिला कारागार में मौत हो गई। बताया जा रहा है सलीम 7 माह से जेल में बंद था, जिसकी पहले भी तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसके चलते उसका इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उसे मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। बीती रात सलीम की जेल में ही अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, उसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। नाम है आपका? तमसील। कहां रहते? मिलक विचौला। अच्छा, ये जो जेल में मौत का मामला हुआ है, क्या मामला है, ये कौन है आपके? हमारे भाई हैं। क्या नाम है इनका? शकील। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। ये हुआ था, इनके बरंट थे, बरंटों में जो है इनको हाजिर करा था सही। कब हाजिर करा था? तकरीबन हो गए 7 महीने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने इनके तबीयत वबीयत खराब हुई तो हमें बताया ही नहीं। अच्छा, एक बार अस्पताल लेकर आए तो पता चला, यहाँ से किसी ने फ़ोन करा तो देखा, उसके बाद ये मेरठ ले गए, मेरठ से ना इलाज करा तो जेल ले गए। हमें सूचना दी, हमें दिए 2 बजे रात। लेकिन परिजनों का कहना है कि सलीम की तबीयत के बारे में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी।